प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा आयोटा का मान होता है अंडर रूट का माइनस एक, आयोटा स्क्वायर का मान होता है माइनस वन, आयोटा क्यूब का मान होता है माइनस आयोटा, और आयोटा फोर का मान होता है वन। ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि लास्ट क्लास में आपने समझ लिया होगा। अब इसके आगे की बात सुनिए। देखिए, एग्जाम में आयोटा का वैल्यू, इसको अगर ऐसा लिख दिया जाए कि वन अपॉन आयोटा कैसे आएगा। देखो, जनरली आयोटा को, मतलब सामान्यता आयोटा को हम हर में नहीं लिखते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, वन अपॉन आयोटा और गुणा में क्या होगा, आयोटा अपॉन आयोटा। समझ गए? मतलब कि नीचे से मुझे आयोटा हटाना है तो मैंने क्या किया, अंश में हर को आयोटा से गुणा कर दिया। भाई इसको हटाओ ना, वही आ जाता है पहले वाला। तो ऊपर क्या आया, आयोटा, और नीचे क्या आया, आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस एक। तो यहाँ पर माइनस एक लिखो और ये क्या हुआ, माइनस आयोटा। तो आप इस टेबल में एड कर सकते हो, वन अपॉन आयोटा इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू माइनस आयोटा होगा। ये आपको याद भी रखना है। अब वन अपॉन आयोटा स्क्वायर कहीं आता है तो ये तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। लो, आयोटा स्क्वायर का मान माइनस एक होता है, तो यहां से क्या आया, माइनस एक, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही वन अपॉन आयोटा क्यूब कहीं नजर आता है तो आप क्या लिखोगे, माइनस आयोटा। देखो ना, आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा। तो वन अपॉन माइनस आयोटा आया तो क्या लिखना है, माइनस और वन अपॉन आयोटा। तो देखिए, ये माइनस और वन अपॉन आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा। अभी किया है हमने ये लो, और यहां से क्या हो गया, आयोटा आ गया कि नहीं आ गया। उसके बाद अगर आपको कहीं नजर आता है वन अपॉन आयोटा की पावर फोर, तो क्या होगा, वन अपॉन वन, आयोटा फोर का वैल्यू क्या होता है, वन, और ये क्या हो गया, वन। तो एक ये भी आपको याद रखना है, इसका वैल्यू क्या होता है, आयोटा। तो हमने ये चार रिजल्ट और दो ये, मतलब छह रिजल्ट आपको अभी तक पढ़ाए हैं। तो ये आपको जिस प्रकार से मुझे याद है ऐसे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनका जब हम क्वेश्चंस करेंगे उस टाइम काफी यूज होने वाला है। तो आगे क्वेश्चंस को देखिए, इन पर बेस्ड जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, उनको एक बार मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखना है। देखिए, आयोटा की पावर, आयोटा की पावर अगर मैं लिखता हूं 45, तो आपको क्या करना है, देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको 45 में चार का भाग देना है। तो ये 44 और यहां 11, और आपको रिमाइंडर यानी शेषफल क्या बचेगा, वन बच रहा है ना, तो आप सीधा आगे रिमाइंडर लिखो और ये क्या है आपका, आयोटा। यही क्या है आपका उत्तर। अब जैसे आयोटा की पावर 175 है, तो आप क्या करो, इसमें 4 का डिवाइड करो, और डिवाइड किया तो क्या आपको मिल रहा है, शेषफल क्या आ रहा है वो बोलो। तो इसको किया तो हमारा शेषफल 3 बचेगा। ठीक है, आप भाग देके देखना, 175 में 4 से भाग दो तो 16, और ये 1 5 और ये 3 12, और यहां पे क्या हुआ, 3, और आयोटा क्यूब आया। मतलब इनको छोड़ो, केवल आपको शेषफल लिखना है, शेषफल आयोटा क्यूब है, और यहां से क्या आया, माइनस वन। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। बस जो आपने याद किया है उसी को आपको काम लेना है। आयोटा की पावर 721 है, इसमें देख लो आप, 721 है, इसमें 4 का भाग दो, 3, और आपके पास क्या हो गया, 2, ये लो 1, एक क्या बच गया आपके पास, रिमाइंडर बचा, शेष पर बचा, तो ये क्या हुआ, आयोटा। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अगर कहीं आपको ऐसे नजर आ रहा है आयोटा की पावर 39, तो क्या करना है, आयोटा की पावर देखो 49 जा, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 36, कितना शेषफल बचे, 3, आयोटा क्यूब क्या हुआ, माइनस आयोटा। केवल आपको शेषफल लिखना है, जैसे आयोटा की पावर आपको 23 लिख दिया, आप 23 में 4 का भाग दो, शेषफल क्या बचेगा, 3 बच रहा है, आप सीधा 3 लिखो, और आयोटा क्यूब का मान क्या है, माइनस आयोटा। बस इतना ही तो करना है। अगर कहीं आपको ऐसे आ गया, अब बोलो
चार से डिवाइड करो इसको तो क्या आएगा, इसको आप एक काम करो, इसको आप 78 बोल दो। अब इसमें चार से डिवाइड करो तो 19 चौका 76, दो से इस पर बचता है तो दो लिख दिया। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। इस प्रकार से आपको आयोटा की जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि आयोटा की वैल्यू किस तरीके से पता लगाना है उनको ऐसे करेंगे। एक क्वेश्चन और है जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है तो मैं उसे भी कराता हूं, वो एन के टाइप का है। आपको केवल शेष पर लिखना है और ऐसे जो क्वेश्चन हैं उनको आप अपने से भी करने का प्रयास किया करें। तो देखिए ध्यान से, आयोटा की पावर एन प्लस आयोटा की पावर एन प्लस एक, आयोटा की पावर एन प्लस दो, आयोटा की पावर एन प्लस तीन, और जहां एन बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल एन है। ये क्वेश्चन है तो इसे कैसे करेंगे, देखो आयोटा की पावर एन प्लस, इनको अलग अलग करो, आयोटा की पावर एन डॉट आयोटा की पावर वन, आयोटा की पावर एन डॉट आयोटा की पावर टू, आयोटा की पावर एन डॉट आयोटा की पावर तीन। ठीक है, अब देखो आधार समान तो घातें जुड़ती हैं, तो देखो आयोटा की पावर एन प्लस थ्री वही आ जाता है, तो इसमें कॉमन क्या आया, आयोटा की पावर एन कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या आएगा वन, और यहां से आयोटा की पावर वन क्या होता है आयोटा, यहां से क्या होगा आयोटा स्क्वायर, और यहां क्या होगा आयोटा क्यूब। देखो ये आपको आना चाहिए, आयोटा की पावर एन वन प्लस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या है, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ाया है आयोटा स्क्वायर -1, और आयोटा क्यूब क्या होता है -आयोटा। देखो आयोटा से आयोटा, वन से वन कैंसिल, तो आयोटा की पावर एन इंटू जीरो क्या होगा जीरो, और यही आपका क्या है आंसर है। इस प्रकार से आज जो हमने पढ़ाया है इसको बार बार रिविजन करना है और सीरियल वाइज वीडियो देखने हैं। आज के लिए इतना ही,